स्पेक्ट्रम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम एक तरह का नोट्स ही है, ठीक है, ओवरऑल नोट्स से आप इससे इसके सहारे आप सीधा सीधा आप यहाँ से पॉइंट को उठाकर आप मेंस में डाल सकते हैं, ठीक है, हूबहू लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है। आप मॉडर्न हिस्ट्री के जब एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन जो दिया, दो तीन सिनारियों में बांटा गया, ठीक है, किस क्लास का होगा, क्लास का नाम तो नहीं लेकिन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मतलब दिया गया, आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं। इस चैप्टर का पढ़ने के लिए सबसे अच्छा रहता अगर आप एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट को अगर गेन करते जो कि बहुत आसान है उसके बाद इसको पढ़ते, लेकिन चलिए मैं अपने शब्दों में आपको क्लास समझाने एट में की, मिलता है सर। हाँ 8 में होगा, ठीक है, सेम टू सेम होगा 8 में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन एवं उनके नेता देखेंगे। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन एवं उसके नेता को पढ़ने से समझने से पहले हमको ये समझना है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जैसे ही मतलब 18वीं सदी का प्रारंभ होता है, ठीक है, 18वीं सदी का प्रारंभ होता है तो भारत में आप देखोगे, ठीक है, प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में, बक्सर होता है, उसका ब्रिटिश के द्वारा कुछ नीतियां आती है, उस नीति में मुख्यतः, ठीक है, पश्चिमीकरण का बू होता है, ठीक है, आप पश्चिमीकरण का निगेटिव फैक्ट भी है कुछ पॉजिटिव फैक्ट भी है, ठीक है, पश्चिमीकरण का कुछ निगेटिव फैक्ट भी है कुछ पॉजिटिव फैक्ट भी है, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव तत्व को हमको देखना है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 का रेवोल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति का बारे में, ठीक है, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। ये आपको कब देखने को मिलेगा, जब क्या होगा, ब्रिटिश के द्वारा पश्चिमी शिक्षा का विकास किया जाएगा, तो समाज का एक वर्ग जो होगा, ठीक है, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उदय होता है, जो कि पश्चिमीकरण का मतलब सपोर्ट करने वाले होंगे, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय भी पश्चिमीकरण के सपोर्ट करने वाले, पश्चिमी शिक्षा को सपोर्ट करने वाले, अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट करने वाले, ठीक है, तो एक सुधारवादी वर्ग का उत्पन्न होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे सुधारवादी वर्ग का जो उत्पन्न होगा तो ये साधारण नहीं होगा, ठीक है, वर्षों पुरानी परंपरा जो चली आ रही है उसको काउंटर करना बहुत बड़ा मिथ्या वाला काम है, ठीक है। आप अपने घर में अभी भी, ठीक है, इतना हमारा समाज डेवलप होने के बाद भी, ठीक है, अपने घर में, ठीक है, लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर सकते, लव मैरिज के फेवर में, ठीक है, प्रेम विवाह के फेवर में 10 लाइन नहीं बोल सकते, लेकिन राजा राम मोहन जैसे व्यक्तित्व रहने वाले व्यक्ति और भी बहुत सारे लोग ने बरसों पुरानी जो, ठीक है, बरसों पुरानी जो व्यवस्था जो थी दकियानुषी व्यवस्था जो कि महिलाओं के खिलाफ थी, ठीक है, शिशु बालिका के खिलाफ थी, बहुत सारे चीज था इनके खिलाफ, इन्होंने मतलब क्या किया, तो इन्होंने मतलब क्या किया, पुरजोर विरोध किया। आप देखेंगे जब हम बरसों पुरानी किसी व्यवस्था का जब विरोध करते हैं तो हमारे पास उसको काउंटर करने के लिए बहुत अधिक फैक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे से चलो ठीक है, अभी भी हम घर में बोलते सर एक ईश्वरवादी बनना है, ठीक है, बहुत सारे देवताओं का पूजा नहीं करना है, तो इसके फैक्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि समाज तो उसको पालन कर रहा है, समाज तो हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, लगभग हुबरू भाषा का अध्ययन किया, उन्होंने मतलब फारसी का अध्ययन किया, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, बहुत सारे भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया, इनको फारसी में उर्दू में लिखी मतलब जो ओरिजिनल जो किताबें जो थी जस्ट लाइक कुरान, ठीक है, उनको पढ़ना था, इसलिए उस भाषा का उन्होंने सीखा, और इन्होंने मतलब फारसी भाषा तो पटना में आके सीखा था, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाए किस विद्वान ने फारसी भाषा का अध्ययन पटना में किया था, राजा राम मोहन राय ने, और राजा राम मोहन राय बनना, ठीक है, अपने आप में उस समय सबसे बड़ा चुनौती था, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने विरोध जो किया अपने घर से किया, जब इनके भाभी को मतलब सती होने के लिए घर से मतलब क्या किया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था सती होने के लिए, तो इन्होंने सबसे पहले घर से विरोध किया था, इनकी माँ इनकी सबसे बड़ी विरोधी हो गई, इनको घर में परिवार से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने वेदों को पढ़ा और सब जगह इन्होंने बोला सर वेद से लेके कहीं पे कोई भी हिंदू ग्रंथ में कहीं भी सती होने का प्रमाण आपको नहीं देखने को मिलता, कहीं भी नहीं है, अगर आप लोग हिंदू धर्म को मानते हैं आप वेद को मानते हैं तो हमें बताइए कहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पे अगर आपको देखने को भी मिलता है जैसे गुप्ता पीरियड में मिलता है तो वहां पे स्वैच्छिक रखा गया था, तो मतलब कोई महिला अगर सती होना चाहती तो अपने स्वेच्छा से होगी, ना कि मतलब उसको जबरदस्ती, ठीक है, चिता पे मतलब लेटा कर, ठीक है, चिता पे लेटा कर उनको मतलब बांस से मतलब वो करके मतलब सती होने के लिए उनको मतलब क्या किया जाएगा, क्या बोलते हैं, उनको जोर दिया जाएगा, शरीर का एक छोटा सा अंग, ठीक है, गलती से भी अगर मतलब जल जाता तो इतना होता है, और मतलब उसको 1000 टाइम गुना से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना मतलब दुखदायी मतलब कार्य होगा, ठीक है। इनको भारतीय पुनर्जागरण जागरण का पिता कहते हैं, सती प्रथा को खत्म करने में इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लड़ाई की शुरुआत घर से किया, घर से इनको निकाल दिया गया।
आप जब ये जब सुधारवादी आंदोलन चला रहे थे तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि पहले पुरातन व्यवस्था को मतलब बनाए रखना चाहते थे। इसी के समय में शिव दयाल अग्निहोत्री की शिव दयाल अग्नि उसके द्वारा एक सभा का धर्म सभा को स्थापना किया गया। धर्म सभा क्या था? तो धर्म सभा जो हमारी जो पुरातन व्यवस्था जो थी हिंदुओं में जो पुरातन व्यवस्था चली है उसका समर्थक था। मतलब ये सती प्रथा का विरोध करते थे तो वो क्या करता था, वो सती प्रथा का समर्थन करता था। सर इन्हें धर्म ने सभा तो इन्हों राधाकांत देव का है ना? हाँ राधाकांत देव का होगा, और भी लोग थे, राधाकांत देव भी थे धर्म सभा, जो कि इसी के काउंटर में इसको खोला गया था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, ठीक है। इनको भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय साम्राज्य का निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण जागरण का पिता, भारत जो थे इस समय में, ठीक है, पुनर्जागरण के नव युग में प्रवेश करता है। भारतीय समाज की बात करेंगे तो काफी कुंठित समाज हो चुकी थी, बहुत सारे हमारे समाज में बुराइयां थी। हम लोग उस बुराइयां से उभरने के लिए राजा राम मोहन जैसे, ठीक है, और भी बहुत सारे विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल बता देते, उस समय एक बंगाल का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 75 से 80 साल के मध्य थी, उसकी से 30 से 40 उसकी बीबियां थी, जिसमें से सबसे छोटी जो वाइफ जो थी वो मात्र 8 साल की थी, वनली 8 ईयर्स, ठीक है। हो सकता है वह उस बच्ची से कभी मिला भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 8 साल की जो विधवा जो है उसको मतलब क्या लेना पड़ेगा, तो उसको मतलब उसके साथ सती बनना पड़ेगा, जिससे कभी उसने मिला भी नहीं। तो ऐसी समाज में परंपरा थी, इन्होंने संस्था का गठन किया, और जहां पर भी सती प्रथा का केस होता था, जहां पर भी मुद्दा देखा जाए तो वहां पे जाके उनका विरोध करते थे। कभी कभी इनके जो सहपाठी होते थे ये गांव वालों का मतलब क्या बोलते, रोष का कारण बनते थे, पीटे भी जाते थे। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में सती प्रथा को धारा 17 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया, तब जाके इन्होंने कानून की मतलब सहारा दिया, ठीक है। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा के खिलाफ बहुत सारे मतलब पत्र लिखे थे, किसी भी तरह मतलब सती प्रथा की जो समस्या जो है इनको मतलब ये बहुत बड़ा है कि वो जो है उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। यह आपका चैप्टर का सारांश था जो कि मैंने बताया, ठीक है। आप चलते हैं राजा राम मोहन और उनके द्वारा बनाया गया ब्रह्म समाज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एकेश्वरवादी तो थे, लेकिन इन्होंने कभी भी, ठीक है, धर्म की स्थापना की बात नहीं की। जबकि इनके ऊपर इल्जाम क्या लगा, इनके ऊपर इल्जाम ये लगता था कि राजा राम मोहन राय एक अलग धर्म बनाना चाहता, ठीक है। जबकि इन्होंने क्या कहा, मैं किसी भी नवीन धर्म के निर्माण का समर्थक नहीं हूं, मैं चाहता हूं, ठीक है, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही, सनातन धर्म के अंतर्गत ही सुधार के समर्थक थे। इसीलिए सुधारवादी आंदोलन के जनक भी इनको कहा जाता है, भारत के आधुनिक पुरुष कहते हैं, भारत के आधुनिक निर्माता कहते हैं, पुनर्जागरण के अग्रदूत कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक कहते हैं, सबके सब इनको कहते हैं, ठीक है। बहुत ही प्रतिभामुखी व्यक्ति और बहुत भाषाओं के जानकार थे, ठीक है, हिब्रू भाषा के भी जानकार थे जो कि यहूदियों की भाषा थी, ठीक है। इन्होंने मतलब क्या किया था, इन्होंने मतलब क्या बाइबल का अध्ययन किया था। बाइबल में दोनों ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है मुख्यतः तो उर्दू भाषा में है, ठीक है, तो उसका भी अध्ययन किया था, न्यू टेस्टामेंट का भी अध्ययन किया था, साथ में कुरानों के अध्ययन किया था। तब जाके इनके पास बहुत अधिक जब तर्क हो गया था, इन्होंने ग्रंथ का सहारा लेते हुए, ग्रंथ को कोट करते हुए इन्होंने मतलब सती प्रथा का वो किया था। तो बताओ कहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनका समाज में बहुत, उस समय का समाज समझ रहे ना कितना टफ रहा होगा, वैसे समाज में इतना बड़ा चेंज करना, इतना बड़ा रेडिकल चेंज करना, इट्स ए बिग थिंग, ठीक है। चलिए अब राजा राम मोहन राय के बारे में सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय की बात करें, क्या जन्म की बात करेंगे, कब हुआ था, 1772 में हुआ था, ठीक है। अगर पूछेगा कहाँ जन्म हुआ था, किताब में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपसे बात करा तो बात करूंगा, राधानगर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था, बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण कुलीन परिवार में जन्म हुआ था, ठीक है। एक ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद, ठीक है, इस प्रथा का विरोध करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो भी अपने विरोध कहाँ से शुरू किया, कोई भी आंदोलन चाहे किसी भी चीज का सुधार करना चाहिए तो अपने घर से करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले अपने घर में विरोध किया, जब घर में विरोध किया तो इनकी माँ जो थी इनकी सबसे बड़ी मतलब विरोधी बन के निकली, उस समय इनको घर छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय की जन्म कब है, 1772 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, राधानगर में हुआ था, जो कि बंगाल में पड़ता है, को प्राय भारतीय पुनर जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, मैंने बोला ना वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न थिंकर पाश्चात्य विचार पर आधारित है। क्योंकि आप देखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी ना, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत, और यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी,
सुनना चाहूंगा। इटली से हुई थी। कहाँ सॉरी, से हुई इटली थी? इटली। हाँ, फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगल नगर नर्सिंग। इटली से, वहां से हुई थी शुरुआत, हुई थी पुंजागरण की शुरुआत। ठीक है, और ये पुंजागरण की शुरुआत हुई, या साथ में आप पैरेलल में देखोगे तो वहां पे मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो वहां पे जो विचारक जो थे, वहां पे जो थिंकर जो थे, उनका प्रभाव, ठीक है, पाश्चात्य विचार के माध्यम से भारत में भी पड़ा। अब भारत में भी बहुत बड़ा रेडिकल चेंजिंग होना मतलब स्वाभाविक हो गया। ठीक है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो था राजा राम मोहन राय के द्वारा ही मतलब शुरुआत किया गया। ठीक है, एक सुधारवादी के रूप में राजा राम मोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मतलब क्या है एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अब एकेश्वरवाद का सिद्धांत कोई पहले के नहीं, आप देखेंगे आगे चल के मुंडा मोमेंट होगा। ठीक है, वह भी बिरसा मुंडा भी मतलब एकेश्वरवाद की बात करते हैं, तो बहुत जगह पर आपको एकेश्वरवाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में अभी भी हमारे समाज में 33 करोड़ देवी देवता है कि नहीं है? विभिन्न समय पे, ठीक है, विभिन्न अवसर पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। ठीक है कि नहीं? लेकिन इन्होंने एकेश्वरवाद का सहारा लोगों को बोला, एकेश्वरवाद में विश्वास, इन्होंने मतलब, तो इनको नास्तिक कहना बिल्कुल गलत होगा, बहुत लोग इनको समझते हैं कि नास्तिक आदमी थे, नहीं नास्तिक नहीं थे, इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की थी। ऐसा नहीं थे धर्म को पालन करने के लिए नहीं बोला, बोला एकेश्वरवाद का पालन कर, इन्होंने धर्म के पालन करने के लिए वेदों को भी बोला। तुम बोला वेद को तुम मान लो ना, वेद में, ठीक है, पुराण में, ठीक है, या फिर रामायण में, या फिर महाभारत में, कहां पे सती प्रथा का उल्लेख किया गया बताओ? कहीं भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने उसका तर्क के आधार पे इन्होंने मतलब समाज को बदलने का कोशिश किया। ठीक है, तर्क के आधार पे उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, ध्यान, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, एकेश्वरवादी का उपहार, ठीक है, इसको क्या बोलता है, गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस, ऐसे ही मोनोथेसिस करके, हाँ, गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस कहते पुस्तक का किसने लिखा था 1809 में? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों एवं उपनिषदों को बंगाली अनुवाद लिखे। ठीक है, और स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू शास्त्र में भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, प्राचीन हिंदू शास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया ना, ये मतलब क्या करते थे, जैसे इनको कुरान पढ़ना होता था उस भाषा को सीखते थे, मतलब इनको मौलिक चीजों पर विश्वास था, ये अनुवाद पे कभी भी विश्वास नहीं करते थे। हो सकता है किसी ने चीजों का परिवर्तन कर दिया हुआ, क्योंकि आप पुराणों का मूल रूप को देखोगे, जो मौलवी जो है उसका परिवर्तन करा करा के अपने फेवर में कर लिया, जो कि उसके सिद्धांत के हिसाब से फतवा जारी करते हैं। ठीक है, तो इनको जब कुरान जब पढ़ना था, इसको कुरान के मूल ग्रंथ को इन्होंने मतलब पढ़ा 1814 में। देखिए यही कहीं कहीं स्पेक्ट्रम में कुछ तिथि गलत होता, बहुत जगह को 1815 मिलेगा। ठीक है, आत्मीय सभा का तारीख क्या मिलता है, 15 रहता है ना, 15 15 है। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में, और इसीलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ आप स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े। ठीक है, आप इसको मेंस के जो टॉपिक जो होता है पॉइंट बनाने के लिए होता, तारीख इसमें कुछ गलत आप मिलेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बहुत बड़ी खामी है। 1814-15 में जो भी कही उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा या मित्रों की समाज की स्थापना की, तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों तथा सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। मूर्ति पूजा का भी, ठीक है, जाति प्रथा का भी, कठोरता का भी। आप बोलोगे सर केवल इनके विरोधी जो थे सनातन धर्म वाले थे? नहीं, ठीक है, इनके विरुद्ध उतना ही सनातनी थे, उतना ही बात करेंगे तो कौन थे, इस्लामिक भी थे, और जैनिज्म बौद्धिज्म भी इस समय जाते जाते बहुत बुरा स्थिति हो गया था, क्योंकि जैनिज्म वाले भी कहते थे मैं तुमको क्या करूंगा, कैवल्य प्राप्त करा दूंगा। ठीक है, बौद्धिज्म वाला कहते थे हम तुमको क्या बनाएंगे, वो क्या बोलते थे, बुद्ध भगवान को क्या प्राप्त हुआ था वो तुमको करवा कैवल्य देंगे। ठीक है, कैवल्य तो जैन धर्म को था ना, बौद्ध को क्या था उसको, जो भी हो, हाँ महा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जो भी हो, सो मतलब आखिरी रूप में जो होता था जिसमें मतलब आत्मा पे सब कुछ पे अपने आत्मविश्वास पे संतुलन पा लेना, तो जैनिज्म बौद्धिज्म में भी आपको यहाँ पे बुराइयां आपको देखने को मिली थी। ठीक है, सबके सब इनके विरोधी थे। उस परिस्थिति में इन्होंने मतलब एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास करते हैं। उन्होंने दूसरों धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वह हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर आरोप उस समय के लोग लगाते थे, ये एक नया मतलब धर्म बनाना चाहता, लेकिन कभी भी इन्होंने एक नवीन धर्म की संकल्पना नहीं की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उनके विचारानुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। ठीक है, स्वयं धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन भी करे और रीति रिवाज, मतलब ये कहते थे तुमको, तुम सनातन धर्म मान तो ठीक है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा साहित्य की, तुम्हारा क्या है, पुराण है, तुम्हारा ग्रंथ है, तुम्हारा वेद है, तुम उसका पालन करो ना, उसके हिसाब से पालो, उसमें कहां सती प्रथा दिया हुआ है। उनके अनुसार मनुष्य को स्वयं,
धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। 1820 में उन्होंने प्रिंसेप ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, इंपॉर्टेंट है। न्यू टेस्टामेंट के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट का संबंध किससे है, यहूदी इससे है, क्या बोलते हैं उसको बाइबल यार, बाइबल से है, ठीक है। न्यू न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों का संबंध किससे है, बाइबल से है, ठीक है। तो 1820 में उन्होंने प्रिंसेप ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिससे उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानी से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की मतलब क्या की, प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा, ठीक है। देखो वहां पे भी सेलिनिएशन शब्द का एक प्रयोग होता है, सेलिनिएशन कुछ कहते बोलने नहीं आ रहा मुझे, मतलब उसमें क्या होता है, पूरी तरीके से मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना। तो ईसाई धर्म के भी रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा, आगे चल के इस्लाम धर्म का अध्ययन करेंगे, इस्लाम के भी रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा। सनातन का तो ऑलरेडी पहले से रख चुके थे, तो केवल सनातन, केवल हिंदू धर्म के लोग ही जो थे इनके विरोधी नहीं थे, इनका विरोधी मौलवी भी था, इनका विरोधी जो था क्या नाम था उसका, मिशनरी, ईसाई मिशनरी भी था। इनका विरोधी बात करेंगे समाज में उस समय के जो धर्म के जो रक्षक जो बनते थे वो भी थे, बस सारा समाज के लोग जो था, मतलब अगर कहेंगे से अगर राजा राम मोहन के रूप पे ये आरोप लगता है इन्होंने केवल भारतीय हिंदू धर्म से संबंधित समाज को सुधारने का प्रयत्न किया, तो वो गलत है। इनका असर समाज के प्रत्येक धर्म प्रत्येक समुदाय पे पड़ेगा, ठीक है। उनके इस प्रयास ने उन्हें ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना पड़ा था तथा उसके कई ईसाई मित्र उनसे निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने गलत फहमी थी कि राजा राम मोहन राय लोगों के हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने विचारों व उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, की स्थापना की। वे सामाजिक सुधार के द्वारा लोगों को राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे तथा उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना चाहते थे। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किया। तारीख इंपोर्टेंट है, याद रखिए। ब्रह्म ब्रह्म समाज का गठन कब हुआ, ब्रह्म सभा का गठन कब हुआ, 1828 में। यही ब्रह्म सभा आगे चल के ब्रह्म समाज बन जाएगा, ठीक है, फूट हो जाता है, जिसके बाद नाम परिवर्तित करके ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र एवं भंडार है, ठीक है। मतलब ब्रह्म समाज जो था ईश्वर के, ठीक है, बहुईश्वरवाद की जगह पे एक ईश्वरवाद में विश्वास करती थी, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकर है, ठीक है। निर्गुण का मतलब क्या, निर्गुण मतलब और एक निराकर होता है, ठीक है। निराकर का मतलब क्या होता है, जिनका कोई भी आकार नहीं हो, और जब कोई भी आकार नहीं होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्गुण का मतलब जिनमें गुण रहित है, ठीक है, और निराकर का मतलब बिना किसी आकार का। जब बिना किसी आकार का डट मूर्ति पूजा का समर्थक तो नहीं है इस्लाम में, ठीक है। इस्लाम में कहीं भी मूर्ति पूजा आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। होता है मूर्ति पूजा, क्या देखा किसी अल्लाह का मूर्ति आपने कभी देखा है, नहीं। उसमें भी बात करेंगे तो उसमें भी निराकार की बात कही गई है, ठीक है। इस्लाम आपको उसमें भी विश्वास नहीं करती, क्या बोलते हैं उसको, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करती है। इन्होंने मतलब बोला सा भाई साहब, भगवान जो है मतलब ईश्वर जो है वह मतलब सभी सद्गुणों का केंद्र है, जिनको निर्गुण बोला जाता है, ठीक है। और परंतु क्या है वो, तो ध्यान में रखिएगा, परंतु वो क्या है, तो वो मतलब निराकर है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकर है। वह कभी जन्म लेता है कभी नहीं मरता, मतलब क्या, अमर है, ठीक है। वह कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वह सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सृष्टि का पालन करता तथा अमर है, ठीक है। इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है, जो कि निराकर कह दिया इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। भाई मूर्ति पूजा किसकी होती है, जीवित लोगों को मूर्ति को पूजते हुए देखे क्या किसी को, मूर्ति होता है जीवित लग रही, जो लोग चले गए धरती से उनको याद के तौर पर उनको मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ईश्वर को उन्होंने बोला भाई ईश्वर तो कभी मरते ही नहीं है न कभी जन्म लेते हैं, वो तो सर्वव्यापी है, सभी जगह पे सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का पालन करता तथा अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा क्या है, अनावश्यक है। इसीलिए निर्गुण और निराकर का बात करेंगे तो किसने कहा, क्या ना, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है, आपके मेंस में विचारक थिंकर वाले चैप्टर में आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति चित्र पेंटिंग इत्यादि का पूजा करने की अनुमति नहीं थी, और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है, कई बार एग्जाम पूछता है किसने कहा था कि कोई भी पुस्तक जो है से त्रुटि रहित नहीं होती, सब पुस्तक में कुछ ना कुछ इरर मिलेगा, उसी तरह स्पेक्ट्रम भी आपकी त्रुटि रहित नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसी क्यूपीएससी में पूछा कि कहीं तो पूछा है, कोट जो इनका है, सिर्फ कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं है, किसने कहा, तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या फिर निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। अगर पूछेगा ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था,
हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, इनका कोई उद्देश्य नहीं था एक नवीन धर्म बनाना, ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर जो खामियां जो है उसको मतलब शुद्ध करना, शुद्धिकरण। इसलिए आप देखेंगे कई बार मतलब शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया जाता है, जैसे इस्लाम में आपको शुद्धिकरण आंदोलन के देखेंगे तो कौन सा अहमदिया आंदोलन है, पटना कौन सा आंदोलन का सेंटर था, बहावी पटना बहावी का, बहावी की बात करेंगे तो अभी इस्लाम में शुद्धिकरण की बात होती है, ठीक है। मतलब अगर किसी धर्म में अगर बुराई अगर उत्पन्न हो जाए, समय के साथ हो सकता है बुराई उत्पन्न, तो उस धर्म में जो सुधार की बात जो होती है उसको शुद्धिकरण कहते हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर शुद्धिकरण की बात करते थे, एक ईश्वरवाद या फिर निर्गुण परात्मा में विश्वास था, ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों पर शिक्षाओं पर आधारित थे। ब्रह्म समाज मतलब उन्होंने मतलब ऐसा नहीं बेतुका बात किया, इन्होंने किसका सहारा लिया, वेद का सहारा लिया, उपनिषद का सहारा लिया। जब जब कोई बात आपसे कोई कहेगा आप उसमें मतलब काउंटर कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बकवास कर रहा है, ठीक है, बोले महात्मा गांधी ऐसे कहते थे, अब जाओ महात्मा गांधी से बहस करो। अब वेद में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि से आप चाहोगे ऋग्वेद जब पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में एक पॉइंट है से मेरे घर में 3 आदमी है, जबकि मेरी माँ जो है सो मतलब क्या करती है, मेरी माँ जो है सो किसान है, मैं जो हूँ सो मूर्तिकार हूँ, अब मेरे पिताजी जो है सो मतलब क्या करते हैं, दुकान मतलब किराना का काम पे, इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट है, जिससे क्या पता चलता है तो समाज उस समय, ठीक है, बटी हुई नहीं थी। तो मेरा समाज क्या था, मतलब एक परिवार के लोग जो थे विभिन्न प्रकार के काम को कर सकते थे, मतलब एक ही परिवार में लोग, कोई किसान भी है, कोई मतलब दुकान भी चला रहा है, मतलब कोई सामान बेच भी रहा है, कोई मूर्तिकार भी था, कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें थी, ठीक है। तो ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म सभा पे बल दिया, ठीक है, यूनिवर्सल रीजन की बात, सर्वधर्म, ठीक है, सर्वधर्म स्वभाव पे बाल दिया, उसके अनुसार सभी धर्मों में सत्य नहीं थे, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पे बल देता था तथा क्रम फल में उसका विश्वास था, ठीक है, किसमें विश्वास करता था, कर्म कर्म के सिद्धांत पे फल विश्वास करता था, ठीक है। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था, उसके सभा भवन में किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, जो बाद में बार बार आपको बोलना हो, लेकिन इन पे लोगों को लगता था से एक नया धर्म बना रहा, ठीक है। एक शब्द भी वहां पे लोगों ने बोलना शुरू किया, आर्य समाजी, ठीक है, आर्य समाजी, मतलब इनका जो पूरा जो थ्योरी जो है आर्य समाज के अनुसार चलेगा। तो उन लोगों ने एक उस समय के लोगों ने एक समुदाय बना दिया, ये आर्य समाजी है, ठीक है, अभी भी आर्य समाजी होता है। वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ है। राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करते धर्म सभा का गठन किया, जो बात मैंने आपको पहले बताया था। इस स्तर पर सुधार जब करोगे तो पहले से जो चीजें जो चली आ रही तो उसके अनुसार आपका विरोध तो क्या होगा, स्वाभाविक होगा ही। और इसी आधार पर उन्होंने मतलब क्या किया, तो राधाकांत देव ने, ठीक है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करते हुए धर्म सभा का गठन किया गया। एग्जाम में प्रश्न कैसे में बीपीएससी ने पूछा था, राजा राम मोहन के द्वारा जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी उसके विरोध करने के लिए कौन सी सभा बनी थी, मतलब कौन सी संस्था बनी थी, तो धर्म सभा बनी थी। या भी पूछ सकता है धर्म सभा की स्थापना क्यों की गई थी, तो रूढ़िवादी विचारों को मतलब क्या महत्व देने के लिए। देखिए रूढ़िवादी विचारधारा की बात करेंगे, जो कि पहले से जो विचारधारा चली आ रही थी उसको चेंजिंग करने के लिए शब्द रेडिकल शब्द का प्रयोग होता है, जब बड़े पैमाने पर जब बदलाव जब हो जाएगा तो उसको रेडिकल चेंजिंग होना। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का निधन हो जाने के कारण ब्रह्म समाज को गहरा आघात पहुंचा। आपको पता है अकबर द्वितीय का पेंशन को जब कम कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो अकबर द्वितीय के, ठीक है, ये राजदूत बन के, ठीक है, वहां के मतलब प्रिंस, वहां के मतलब राजा से मिलने गए थे 1833 में, ठीक है, और जहां पे इनके ब्रिस्टॉल में इनकी मृत्यु हो गई थी, और बाद में जाकर भारत सरकार ने साथ उनके उनके मतलब क्या बोलते हैं उनके सब जो भी कहिए वापस साथ भारत भी लाई है साथ, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई, ब्रिस्टॉल में, ठीक है, कब हुई, 1833 में, ठीक है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म समाज या राजनीतिक में चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसे सुधार लाने का सूत्रपात राजा राम मोहन राय को उनके समाज ने किया, ठीक है, किसने दिया, एच ई जकारिया का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। तो राजा राम मोहन के द्वारा कौन कौन सुधार किया गया, इनके सुधारों को चरणबद्ध तरीके से मतलब लिखे, तो ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है, बहुवाद तथा बुर्ती प्रजा का विरोध,
इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने जितना बात बताया इसमें लिख दीजिए। बहु पत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का भी मैंने बोला से, उस समय मतलब बंगाल में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसकी उम्र 75 से 80 साल की थी, उसकी 40 या 50 पत्नी थी, पूरा डाटा याद नहीं है, लेकिन इतना पता है उसकी उम्र 75 से 80 साल थी, उसकी सबसे जो कम उम्र की पत्नी थी वो मतलब 8 साल की बच्ची थी। अब समझिए ये व्यक्ति आज है कल है मर जाएगा, उसके बाद वो 8 साल की बच्ची को जिसने कभी वो मिला भी नहीं, उससे मतलब क्या होना पड़ेगा, उनको सती होना पड़ता था। ये प्रथा जो थी सबसे बड़े उस समय इलाइट क्लास जो थे बंगाल के, जो बड़े बड़े जमींदार जो थे उनके घर में ये प्रथा मतलब विद्यमान थी। वहां पर कन्याएं हत्या की जाती थी, कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन कन्याएं हत्या, समाज के जो सबसे जो बड़े वर्ग के लोग जो थे, जो इलाइट क्लास कहे जाते थे, जो कि समृद्ध वर्ग के रहते, उनके घर में होती थी कन्या हत्या। 1795 में शिशु शिशु हत्या, कन्या शिशु हत्या जब लाया गया 1795 में, तो वहां पे मतलब ब्रिटिश सरकार मतलब क्या करती थी से मतलब सप्ताह भर 10 दिन 15 दिन पे जाके मतलब घर में चेक करती थी जो बच्चा ने जन्म लिया वो जीवित है कि नहीं है, ठीक है, मतलब एक सर्वे होता था उस समय। विधवा विवाह का समर्थन में बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन इन्होंने किया था, अपने भाभी के विधवा जो हो गई थी उनके विवाह कराने के लिए बहुत मतलब प्रयास किया था। नैतिकता पे बल, कर्म फल में विश्वास, हालांकि विधवा विवाह के क्षेत्र में सबसे अधिक कम काम करने वाले जो व्यक्ति जो थे ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, जो कि अपने पुत्र का विवाह करवाया था एक विद्या से, विधवा से, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नैतिकता पे बल, कर्म फल में विश्वास, श्रम धर्म में सहभाव रखा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, और मतलब ईश्वर को निराकार रूप को मतलब बढ़ाया, ठीक है। ईश्वर के रूप को क्या बताया इन्होंने, निराकार बताया। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास, पुरुषों की जो सर्वश्रेष्ठता जो थी, सर्वोच्चता जो थी समाज में, उसमें इसको अविश्वास फैला बताया, ठीक है। धार्मिक पुस्तकों में अविश्वास बताया, बल बोला से कोई भी पुस्तक टूटी नहीं है, ठीक है। हालांकि धार्मिक पुस्तकों का इन्होंने सहारा भी लिया, लेकिन ये भी कहा अगर कहीं कहीं पे अगर कुछ लिखा भी है तो ये कोई जरूरी नहीं है कोई धार्मिक पुस्तक अपने आप में मतलब क्या हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किया, बंगला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में समर्थन किया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा के भी बहुत गहरे मतलब समर्थक थे। अब हम देखेंगे समाज सुधार के हेतु राजा राम मोहन राय के प्रयास क्या रहे। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। 1818 में उन्होंने अपनी सती विरोधी अभियान आरंभ किया, कब किया, 1818 में, जबकि 1815 में आप देखोगे तो आत्मीय सभा का गठन हो चुका था। सर्वप्रथम ने उस उन्होंने इस कुरीति के विरुद्ध के जनमत तैयार करने का प्रयास प्रारंभ किया। एक और उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि वे सती प्रथा का अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने मतलब तार्किक रूप से मतलब विरोध किया से बताओ सती प्रथा का प्रमाण कौन से किताब में तुमको देखने को मिलता है। तुम वेद की बात करोगे, तुम पुराण की बात करोगे, तुम महाकाव्य की बात करोगे, कहीं पर भी सती प्रथा का कोई उल्लेख है क्या, कहीं पर भी नहीं, वाकई में कहीं पर नहीं। भारत में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख आपको एरन अभिलेख से आपको देखने को मिलता है, जहां पे एक सैनिक के पत्नी का सती होने का प्रमाण है, और वो भी मतलब सभी जगह पर स्वेच्छाकारी बताया गया है, ठीक है। क्या बताएगा, स्वेच्छाकारी। कई जगह पे आप देखेंगे सती प्रथा का उल्लेख की बात करेंगे, मुख्यतः आप देखेंगे राजपूत घराने में थी, जहां पे स्त्रियां कहीं पे भी जबरदस्ती बात नहीं कही गई, ठीक है, स्वेच्छा से। हालांकि रूप महल नाम की एक व्यक्ति जो थी, एक महिला जो थी, आजादी के बाद में भी राजस्थान में सती हो गई थी, ठीक है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री की सरकार गिर गई थी। रूप क्या नाम है, रूप कवर, क्या नाम है, रूप कवर होगा, गूगल करके देखिए तो मैं सही बता रहा हूँ का, रूप कवर का आजादी के बाद एकमात्र सती होने का प्रमाण देखे, रूप कवर या रूप कमल नाम होगा उनका, ठीक है। मात्र 20-21 साल की महिला थी और पत्नी के मरने के बाद उनको सती होना पड़ा था, और कहते से परिवार वालों ने दबाव बनाया, लेकिन परिवार वालों के कहना से स्वेच्छा से हुई। सरकार पे इतना दबाव बढ़ा सो मुख्यमंत्री की सरकार मुख्यमंत्री जो थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, सरकार गिर गई थी, ठीक है। आई थिंक 84-85 का मामला होगा, राजस्थान का मामला है, रूप कवर का मामला, एक बार गूगल करके चेक कर लीजिए, ठीक है। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवीयता और दया भाव की दुहाई देकर इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शमशानों जो क्रिमिनेशन ग्राउंड की यात्रा की तथा विधवाओं के रिश्तेदारों को समझा कि उन्हें सती होने से रोकने का अथक प्रयास किया। जहां पर भी सती होता था इनके लोग जो थे इनको खबर करते थे, तो वहां पे मतलब जलाया जा रहा है, तो मतलब शमशान में जाके मतलब क्या करते थे, शमशान ग्राउंड जो होता था, क्रिमेशन ग्राउंड जो होता था, वहां पे जाके वो जाते थे और वहां पे लोगों को समझाते थे, बुझाते थे से ये करना गलत है, ठीक है। कभी कभी पीटे भी जाते थे,
उन्होंने समान विचार वाले व्यक्तियों की सहायता से कई ऐसे समूहों का निर्माण किया जो उन लोगों पे कड़ी निगाह रखते थे। मतलब इनके जो लोग जो थे क्या करते थे, कड़ी निगाह रखते थे तो कहाँ पे सती हो रहा नहीं हो रहा है, जैसे उनको बता देते थे। जो पुरातन अंधविश्वास है, गहनों के लालच में विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। तो पुरातन अंधविश्वास भी था, दूसरा क्या था, गहना भी था। क्योंकि जब महिलाएं जब सती हो जाती थी उनके गहना, अब देखिए कितना खराब व्यवस्था है ये, ठीक है। जैसे अभी कोविड के समय में भी आपने देखा होगा, बाप माँ का कोई लाश लेने के लिए नहीं था, लेकिन बार बार हॉस्पिटल को फोन करता था से वो अंगूठी होगा उनके कान में जो भी झुमका होता है जो भी हो वो निकाल के रख लेने के लिए। मिलने कोई नहीं जा रहा है, बॉडी को जलाने कोई नहीं जा रहा है, ध्यान क्या चीज पे है। तो जिस समय मरी थी तो उनके हाथ में मतलब क्या था, अंगूठी था। तो कान में मतलब क्या पहनते, कान में क्या क्या बोलते उसको, कान में पहनने वाला जो भी बोलते वो था, ठीक है। धर्म जो महिला आएगा यहाँ पर भी आप देखेंगे अंधविश्वास के साथ साथ दूसरा रीजन जो क्या था, गहनों के लालच में विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयत्न से इस दिशा में काफी प्रगति, उन्होंने सरकार से अपील की इस बर्बर प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए, ठीक है। बहुत लेटर लिखा है इन्होंने, आखिरी में इसी के पास 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आप हमें बताइए सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने के लिए किस धारा का प्रयोग किया गया था, धारा सत्रह, सत्रह, 17 का 5। ठीक है। ध्यान रखें कौन सा, 17, ठीक है। ध्यान रखें कौन सा, 17। राजा मोहन राय ने स्त्रियों को हीन दशा का भी कट्टर विरोध किया। वे स्त्रियों की निम्न सामाजिक दशा तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव से बहुत दुखी थे। निम्न सामाजिक दशा क्या हो सकती थी, अभी भी समाज में स्त्रियों की बहुत अधिक निम्न सामाजिक दशा है। आप शहर की स्त्रियां तो थोड़ी मॉडर्न हो गई है, लेकिन अभी भी गांव में जाइए अभी भी सेम स्थिति है। सब परिवार में साथ खाना नहीं खाना, सबको खिलाने के बाद खाना खाना, ठीक है। प्रदा प्रथा अभी भी है गांव में, ठीक है। तो ये सब क्या है कि निम्न दशा भी, अभी भी इन सब चीजों में बहुत अधिक बदलाव आपको नहीं देखने को मिला। स्त्रियों की स्थिति अभी भी समाज में सुधरी है, लेकिन उस स्तर पर नहीं सुधरी है जिस स्तर पर सुधार होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की भी मांग की, स्त्रियों को शिक्षा देने, विधवा विवाह को प्रारंभ करने, सती प्रथा को समाप्त करने, तो बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे, ठीक है। क्या अभी भी स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिला है, कानूनी रूप से पहले ही मिला होगा, सामाजिक तौर पर मिला है। नहीं, कुछ अधिकार सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं, और ये हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है, स्त्रियां इतनी मतलब होती कभी भी मतलब क्या होती है, कानूनी तौर पे कभी भी अधिकार मांगती नहीं है। वो समझती है शादी ब्याह हो जाने के बाद, ठीक है, उनका क्या होगा, अब यहां से कोई लेना देना नहीं है। ये सामाजिक तौर पे भी वो अपने आप को इस तरह बना ली गई है, उसका मतलब संपत्ति पे मतलब क्या वास्तविक अधिकार नहीं है, ठीक है। स्त्रियों के शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह प्रारंभ करने के साथ सती प्रथा को समाप्त करने, बहुपत्नी, ठीक है, बहुपत्नी पोलोगैमी भी बोलते हैं ना, ठीक है। ध्यान, बहुपत्नी विवाह और गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की उन्हें पैतृक एवं विरासत संपत्ति संबंधी अधिकार मिलने चाहिए। क्या मिलने, उन्हें पैतृक और विरासत संपत्ति संबंधी अधिकार मिलने चाहिए स्त्रियों के। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे, अंग्रेजी भाषा के भी समर्थक थे। उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1870 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1817 में, और किसने किया था, जो डेविड हेयर और साथ में किसने किया था, राजा राम राजा राम मोहन राय ने, ठीक मोहन है। तथा उसके द्वारा प्रस्तुति की गई, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने अपने अपने खर्चे पे, ठीक है, 1870 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांते, रूसो, वाल्टेर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा, डेविड हेयर पेशा से घड़ीसाज थे क्या, एक एग्जाम में पूछा गया था, ये डेविड सर, वो हेयर जो जो थे, बंगाल डेरेजियो ना घड़ी साज थे वो नहीं, डेविड तो 16 साल का बच्चा था, वो कहाँ से घड़ीसाज होगा, ये सारे स्कॉटलैंड के है थे, ठीक है, एक भी बार चेक। डेविड। डेविड हेयर सर्च की थे, डेविड हेयर हिंदू कॉलेज सर्च कीजिए ना, आ जाएगा उसके बारे में टिकट, चेक कीजिए। घड़ी साज था क्या, ये घड़ी साज था, आई थिंक स्कॉटलैंड का था ये, ठीक है। 1870 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल जी खोला, ठीक है जिसमें, ठीक ठीक है ठीक है ना, है, मैं पढ़ा हुआ था क्लॉक कहीं पे, मेकर। क्लॉक मेकर है ना, वही मैं बता रहा था। 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांते, रूसो,
वाल्टेयर के दर्शनों की शिक्षा दी जाती थी। और ये जो भारत में जो सोशल रिफॉर्म जो आपको जो आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे फ्रेटरनिटी की बात बताई, भाईचारे का शिक्षा दिया, क्या कहता है फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या क्या चीज का शिक्षा देता है? समानता, बंधुत्व, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, इन सब का नारा कहाँ से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसका फर्क पड़ता है, उनका कुछ विचार है, इनके प्रमुख विचार की बात की। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि वर्तमान समय हिंदुओं की जो धार्मिक व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है वो हिंदुओं के राजनीतिक हितों को परपोषण कर सके। मतलब उन्होंने बोला से देखो, हिंदू का जो अभी जो धार्मिक व्यवस्था जो है बिल्कुल ऐसा नहीं जो हिंदू के राजनीतिक हित का, ठीक है, ध्यान रखे। मतलब तो उनका कहना था उनका जो व्यवस्था जो है राजनीतिक हित का ध्यान रखना, अगर तुम धर्म का ही सहारा ले रहे हो तो धर्म का ही सहारा ले रहे हो उससे तुम्हारा विकास हो। धर्म का सहारा लेके विकास किया गया है। धर्म के सहारा लेकर आप देखोगे, जब यहाँ पे मतलब बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने बोला से मैं सिंह बोंगा का अवतार हूँ। सिंह बोंगा का अवतार, विष्णु का छोटा भाई का अवतार हूँ। लोगों को संगठित करने में अच्छे उद्देश्य के लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। अब संथाल विद्रोह में जाओगे तो उन्होंने बोला गया सर मेरे सपने में ठाकुर जी आए थे, उन्होंने मुझे बोला से स्वराज प्राप्ति होने के लिए सभी संथालों के एक जगह इकट्ठा होना। इस बात को क्या कहे, 60,000 संथालों को इकट्ठा किया गया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो इससे मतलब क्या, उनके अंतर्गत राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। जबकि यहाँ पे जो धर्म संबंधी जो चीजें जो थी, जो सती प्रथा चाहे जो भी चीज, जो समाज में जो विद्वान थे, इससे कभी भी राजनीतिक हित हिंदुओं की कभी भी विकसित नहीं होगी। ठीक है, जैसे हिंदुओं का कुछ राजनीतिक लाभ है वो सामाजिक बल मिल सके। ठीक है, ध्यान रखिए स्टेटमेंट किनका है, मैंने इसे स्टेटमेंट को समझा दिया, इसको ध्यान में रखिएगा इसका मतलब क्या होता है। मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में भी नहीं बल्कि चिंतन एवं क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति एवं राष्ट्रों के आपसी भाईचारे से ही है। मतलब मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं है बल्कि चिंतन तथा क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति और राष्ट्रों के आपसी भाईचारे से है। ठीक है, तो सर्व विश्ववाद की भी ये मतलब बात करते थे। अब यहाँ पे जो इन्होंने स्कूल जो स्थापित किया था कलकत्ता में, जो अंग्रेजी स्कूल जो खोला था उसमें फ्रांसीसी दार्शनिक की पढ़ाई होती थी। वाल्टेयर का विचार था, रूसो का विचार था, दांते का। अगर वाल्टेयर रूसो दांते नहीं होता तो कभी मतलब फ्रांसीसी क्रांति होती क्या? नहीं होती। फ्रांसीसी क्रांति पे सबसे बड़े विचार जो थे इन्हीं के असर पड़ा था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, इनके विचार जो थे किताबों में छपते थे, बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाते थे, इन्हीं के विचार था। दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसे भारतीय विद्या एवं पाश्चात्य भौतिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने हेतु उन्होंने बंगला व्याकरण की रचना तथा बंगाली पद निर्माण किया। राजा राम मोहन राय की विभिन्न भाषाओं को गहरी पैठी और संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अरबी जैसी एक दर्जन भाषाओं का ज्ञाता था। इसमें एक भाषा छोड़ दिया, हिब्रू भाषा, हिब्रू भाषा भी जानते थे। जब उनको बाइबिल का जो ओल्ड न्यू टेस्टामेंट जब उनको पढ़ना था, जिसमें उन्होंने किताब ही लिखी, ठीक है, तो उनको हिब्रू भाषा को उन्होंने अध्ययन किया था। फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए उन्होंने पटना आए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ आए थे फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए? तो पटना, ठीक है, पटना में फारसी भाषा का सेंटर था। ठीक है, विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाओं का अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बंगाली, हिंदी तथा, ठीक है, अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। उनके दम्बिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा की प्रथम अखबार थी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके माध्यम से जनता को शिक्षित करते रहते थे तथा उनके दुख एवं कठिनाइयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहते थे। साथ में एक राजनीतिक के रूप में राजा राम मोहन ने बंगाल के जमींदारों के उत्पीड़न कार्यवाहियों की घोर निंदा की तथा रैयतों द्वारा दिए गए जाने वाले लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की मांग की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतलब राजनीतिक करियर के तौर पे भी ये मतलब बात करेंगे, प्रमुख व्यक्ति रहे। बंगाल में जमींदारों के उत्पीड़न कार्यवाही की घोर निंदा की, रैयतों द्वारा दिए जाने वाले लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की मांग की। इससे मतलब इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने का प्रयासों का विरोध किया। से भाई जो भूमि जो कर मुक्त है उस पर फिर से कर लगाने का क्या मतलब बनता है?
उन्होंने निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर प्रशुल्क घटाने की मांग की ताकि भारतीय वस्तु विदेशों में सस्ता बिके और उससे मतलब क्या डिमांड और भी ज्यादा क्रिएट हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को समाप्त करते हैं तो सरकार को ज्ञापन सौंपा। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को सभी के लिए खोल दिया गया था और ब्रिटिश को व्यापारिक एकाधिकार भी दिया गया था, विशेषाधिकार भी दिया था। मतलब जो ब्रिटिश सामान जो भारत में आते थे उनपे क्या होता था, टैक्सेस मतलब कम होते थे। तो इसको मतलब समाप्त करने के लिए सरकार को एक ज्ञापन भी दिया। वे उच्च सेवाओं के भारतीकरण तथा न्यायपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के कट्टर समर्थक थे। वे उच्च सेवाओं के भारतीकरण जो बड़ा सर्विस जो है ऑल इंडिया सर्विस आईसीएस था ना उस समय इंडियन सिविल सर्विस, तो उसमें मतलब क्या था उनमें भारतीयकरण होना चाहिए तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से मतलब क्या होना चाहिए पृथककरण होना चाहिए। ठीक, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथककरण की बात करता है? 50 से 50 बात, 50-50 पूरा पूरा 50। ठीक है, उन्होंने मुकदमों की सुनवाई की जूरी प्रथा के माध्यम से करने में भारतीयों तथा यूरोपीय के मध्य न्यायिक समानता की मांग की। जूरी प्रथा आजादी के बाद भी भारत में जूरी प्रथा था। एक केस जो था, एक केस कौन सा केस था, बहुत पॉपुलर केस हुआ था जिसमें मूवी भी बनी है, उसमें जूरी प्रथा को दिखाया हुआ है। ठीक है, नानी पाल महाराज सरकार भरसेस, ठीक है, महाराज सरकार से भरसेस नानी पालकी वाला नहीं, क्या नाम था, 1951 का केस है। ठीक है, जिसपे फिल्म बनी है, रुस्तम मूवी बनी है। ठीक है, अक्षय कुमार का मूवी आपने देखा होगा जहां पे जूरी प्रथा को आजादी के बाद भी था, वो भी बता दे रहा हूँ, हेलो। के एम नानावती, क्या नाम है, के एम नानावती वर्सेस महाराष्ट्र कोर्ट। ठीक है, इसमें जूरी प्रथा को दिखाया जो कि नेवी का ऑफिसर थे नानावती साहब। ठीक है, तो जूरी प्रथा क्या होता था, इसमें मतलब क्या था, जूरी के माध्यम से मतलब सजा सुनाई जाती थी और टीम होता था एक तरह से, मतलब ऐसे सजा देने के लिए क्या होता था, अभी क्या है सजा देने के लिए, एक सिंपल जज आता सजा सुनाता, लेकिन जूरी जब बैठी थी तो सजा का फैसला होता था, 7 जज हो गया तो 5 जज होगा, कितने लोग इसको सजा सुनाने के फेवर में कितने लोग नहीं है, तो 5 जज था, 5-3 से फैसला हो गया तो सजा होगा। ठीक है, अगर लोग जो चाह रहे इसको सजा ना हो तो उसके लिए अलग फैसला था, तो इस तरह की चीजें जो थी। ठीक है, तो इसलिए नानावती वाला केस का मैंने एग्जाम्पल दिया, नानावती वाला केस आजादी के तुरंत बाद का केस है जिसमें क्या होता, नानावती जो थे नेवी के ऑफिसर थे, उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग जो था एक पुरुष के साथ था, ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होता था, नानावती उनकी हत्या कर देते थे, तो जूरी के द्वारा उनको जजमेंट से मतलब, ये इतना पॉपुलर केस है ना भारतीय इतिहास का सबसे पॉपुलर केस में से नानावती केस है। ठीक है, जहां पे जूरी के द्वारा फैसला दिया गया था, आजादी के बाद भी जूरी प्रथा कुछ दिन तक चली थी, ठीक है, बाद में समाप्त कर दिया गया था। तो राजा राम मोहन राय राजनीतिक दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय था। ठीक है, ध्यान में पहले वैश्विक शिक्षा के जिनके ऊपर फर्क पड़ेगा तो अंतरराष्ट्रीयता को जन्म देंगे, वे अंतरराष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग पर दृढ़ विश्वास करते थे। वे अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता समानता न्याय के हिमायती थे जो कि मतलब फ्रेंच रेगुलेशन से प्रभावित है। ठीक है, स्वतंत्रता समानता की बात की गई थी, हालांकि समानता न्याय तो रशियन रेगुलेशन का भी है लेकिन उनसे बहुत बाद में आया, लेकिन उनके समर्थक थे। विचार कहीं न कहीं यूरोप के गलियों में पहले से घूम रही थी, कोई भी रेगुलेशन में विचार सडन नहीं आता है, कोई भी रेगुलेशन में जो विचार जो आता है बरसों से चली आ रही परंपरा को उसमें आपको देखने को मिलता है, और कोई भी क्रांति एक दिन में शुरुआत नहीं होती है, क्रांति के विचार का जन्म जो होता है बहुत पहले से मतलब जड़ जमा चुका होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति गहरी समझ थी, उन्होंने स्पेन अमेरिका तथा नेपल्स के स्वतंत्रता अभियानों का समर्थन किया, अमेरिका भी ठीक है स्पेन भी ठीक है, और साथ में फ्रेंच रेगुलेशन से तो बहुत अधिक प्रभावित थे ही। ठीक है, एक देश है नेपल्स, नेपल समझते क्या होता है, नेपल्स कहाँ पड़ता है, नेपल्स, नेपाल जो था ना आई थिंक इटली में पड़ता होगा, 1799 में वहां पे रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इटली में था नेपाल। ठीक है, और 1799 में मतलब वहां पे क्रांति हुई थी। ठीक है, नेपल्स इटली या स्पेन होगा, एक बार गूगल चेक कर लीजिएगा, तो इटली होगा या फिर स्पेन होगा उस समय, हालांकि इटली वगैरह कुछ था नहीं। ठीक है, क्योंकि इटली का एकीकरण कब आता है, ठीक है आप देखो इटली का एकीकरण 1870 होगा, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1871 होगा, वो सब अलग अलग था। ठीक है, तो नेपल्स जो था स्पेन इटली में था, वहां पे जो क्रांति जो हुआ था उसका इन्होंने समर्थन किया था, या तो स्पेन में होगा या फिर इटली के आसपास, दोनों के आसपास होगा, समानता है थोड़ा सा, देख लीजिएगा इसको, चेक करके हमें भी बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा। जब वो इंग्लैंड में रह रहे थे तब उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहां के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार की निंदा की तथा
तथा घोषणा की कि यदि इस संबंध में इंग्लैंड के संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया है यदि वो गिर गया तो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और ये इंग्लैंड में जो थे इनकी मृत्यु होगा, इसकी किस स्थान पर मृत्यु हुई थी, इनकी किस ब्रिस्टल स्थान पर मृत्यु हुई थी, ब्रिस्टल ब्रिस्टल में मृत्यु हुई ब्रिस्टल थी। ठीक है, और कब हुई थी, 1833 में हुई थी। अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी के टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद चक्रवर्ती इनके प्रमुख सहयोगी थे। आगे चल के, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इनके प्रमुख सहयोगी थे। आगे चल के ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज बना लेंगे। ठीक है, डेविड हेयर के बारे में बता दिया, ये स्कॉटिश थे और साथ में घड़ी साज भी थे। ठीक है, क्या थे, घड़ी साज थे, जो कि मैंने वाह बोला इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं सोचता हूँ बता देता हूँ। ठीक है, डब साहब की बात करेंगे, अलेक्जेंडर डब भी इनके प्रमुख थे। अलेक्जेंडर डब ने कुछ किताबें वगैरह भी लिखी थी। ठीक है, ये सबके थे। तो आई थिंक राजा राम मोहन राय के कॉन्सेप्ट को, राजा राम मोहन राय के विचार को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप सीधे सीधे इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यूपीएससी के चैप्टर आता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के चैप्टर के लिए ये सब चैप्टर जान माना जाता है। ठीक है,